ओए सुन, किसी तक बताइए मत यार, हम पिटे हैं। तू भी मत बताइयो। अबे एल्विश का भी देख लेता हूँ। हाँ, गधा पास, खच्चर पास, कुत्ता बिल्ली पास, एल्विश फेल। ओ तेरी, ये तो फेल हो गया। आज एल्विश हुआ है, कल तू होगा अगर उसके साथ यूं डोलता रहा तो। अरे उसका क्या है, वो तो गंवार आदमी, अगर फेल हुआ तो उसका बाप उसको खेतों में लगवा देगा। मेरी बात मान, उसका साथ छोड़ दे, नहीं तो बहुत पछताएगा। क्या हाल है भाई? मुझे नहीं रहना तेरे साथ। ये लोग सही कहते हैं, तू खुद तो बर्बाद है, मुझे भी बर्बाद कर देगा। तुम जैसे गंवार लोगों के साथ दोस्ती करनी नहीं चाहिए भाई। एक बात ध्यान रखियो, काम तेरे कौन आएगा ये तो टाइम ही बताएगा। ये वाली जॉब भी ना लगी। भाई मैं तो ये सोच के आया था तुम लोग मुझे जॉब दिलाओगे, लेकिन तुम तो बहादुर बन गए। भाई बहादुर तो हम पहले से ही थे, लेकिन अब साहब जी भी करना पड़ता है। भाई हम दोनों की तो डे एंड नाइट ड्यूटी मिला के 2200 रुपए तनखा है, प्लस हर सैल्यूट के 2-2 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। तेरे को जॉब चाहिए ना, तू एक काम कर, अंदर जाके साहब जी से बात कर ले, वो तेरी एक अच्छी नौकरी लगवा देंगे। अरे सर, जो आपने हमारे 60 के लिए कब्जा रखे है ना सर, वो हमारे प्रोजेक्ट के बीचों बीच आ रहे हैं सर। सर प्लीज सर उन्हें लौटा दीजिए सर। सर वो जॉब के लिए। एल्विश जी, हमारी मजबूरी समझिए। एल्विश, कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जा। अरे सर, एल्विश, एल्विश तो मेरा दोस्त है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है, तो उससे ना हमारे 60 किले छुड़वा दो और तुम्हारी जॉब पक्की। अरे कोई जमीन जुमीन बता यार, कब जाने के लिए, धंधा मंदा चल रहा है। अरे गुड़गांव में ना बाहर की चाहिए, गुड़गांव की सारी कब्जा तेन पर। भाई एल्विश, मैं तू पहले इस कोर्ट ने उतार और चिलम भर के ला, चल तू यहाँ बैठ। भाई ये बोल रहे थे कि अगर आप इनके 60 किले छोड़ दोगे तो मुझे 10,000 रुपए की जॉब दे देंगे। अबे अब तेरी 10,000 रुपल्ली के पीछे 60 किले छोड़ दोगे? साले पता है इसमें क्या बो रखा है? इसमें बाजरा बो रखा है, जाडे जाडे दोनों भाई। बाजरे की रोटी में नूनी की घेर के खाटे का साग मिला के दबा के खाएंगे, जी सा आ जाएगा। रही तेरी जॉब की बात, मुझे पता है ये फूफा बदमाश है, लव कपी का लाजे जॉब पे।